नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी बहनों का आज के इस नए वीडियो में। तो जैसे कि हमने आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को कल एक लेटर के माध्यम से बताया था कि आंगनबाड़ी केंद्र संचालन हेतु जो डेट निर्धारित किया गया है और जो गर्म पका भोजन जो उपलब्ध कराया जाएगा उसमें कुछ संशोधित करते हुए आज फिर से इस लेटर को जारी किया गया है। तो ये लेटर सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग ये देखकर स्किप मत कर दीजिएगा कि ये कल ही वाला लेटर है। यहाँ पे आप लोग डेट देख पाएंगे, जो डेट दिया गया है 22/10/2021 और जो संचिका संख्या है 53। अगर आपने हमारा कल वाला जो वीडियो देखा होगा उसमें जो संचिका संख्या दिया गया था वो उसका नंबर था 53-18 और आज की जो संचिका संख्या है वो 53-54। लेटर सेम ही है लेकिन इसमें कुछ संशोधित करते हुए इस लेटर को फिर से जारी किया गया है। तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या कुछ संशोधन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे जो इस लेटर का विषय है वो सेम ही है कल वाला जो हमने आपको वीडियो दिया था आंगनबाड़ी केंद्र संचालन करने के संबंध में। तो आइए हम आपको नीचे बताते हैं वो किस बारे में संशोधन किया गया है। तो आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो जैसे कि आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आइए बताते हैं कि कल वाले लेटर में और आज वाले लेटर में क्या कुछ बदलाव किया गया है। जैसे कि ये डेट जो देख रहे हैं वो सेम ही डेट है, 24/9/2021 को आपदा प्रबंधन का जो बैठक हुआ था उसमें जो आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्म पका भोजन को उपलब्ध कराया जाएगा उसके लिए ये डेट सही है जिस दिन बैठक हुई थी। और यहाँ पे ये डेट भी सही है, 15/11/2021 को आंगनबाड़ी केंद्र संचालन किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो डेट आप लोग देख रहे हैं ये जो डेट है 25/10/2021 यानी कल वाला जो डेट था उस डेट को यहाँ से बदल दिया गया है। कल के लेटर में यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो डेट दिया गया था वो 25/9/2021 का डेट दिया गया था, उसी डेट को बदलकर यहाँ पे 25/10/2021 कर दिया गया है। जैसे कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्म पकाए भोजन उपलब्ध कराया जाएगा वो 25/9/2021 नहीं बल्कि 25/10/2021 से यानी आज से 3 दिन बाद से ही बच्चों के लिए गर्म पका भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसी के डेट में संशोधित करते हुए ICDS विभाग फिर से लेटर जारी किया गया है। बाकी सारा चीज़ सेम है। हमने कल आपको बताया था कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन होगा 10 बजे से 2 बजे तक और जो बच्चों का उपस्थिति है वो कैसे होगा, सारा चीज़ आपको हमने कल वाले वीडियो में आपको जानकारी दे दिया था। और ये जो जानकारी थी आपको बताना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी थी इसलिए हमने आपको इसकी जानकारी दे दी है। तो आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ये वीडियो आप सभी आंगनबाड़ी बहनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि उनको भी इस लेटर के बारे में पता चल सके कि डेट को संशोधित कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।